दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े ये ऐसे शार्प शूटर हैं जो पैसा लेकर किसी का भी खून बहा दिया करते थे। इनके लिए किसी की जान लेना खेल जैसा था और इन्होंने ताजा वारदात दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में अंजाम दी थी, जब आरोपियों ने रियल एस्टेट कारोबारी से काला जठेड़ी के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। कारोबारी ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दी थी। स्पेशल सेल डीसीपी प्रमोद कुशवा के मुताबिक काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 हथियारबंद बदमाश 30 मार्च को मोहन गार्डन उत्तम नगर में स्थित रियल एस्टेट कंपनी के कार्यालय में घुस गए थे। उन्होंने रियल एस्टेट व्यवसायी की 3 पर्चियां दी थी। इन पर्चियों पर हिंदी में काला जठेड़ी 1 करोड़ लिखा हुआ था। कारोबारी ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने कारोबारी के दोनों पैरों में गोलियां मार दी थी। व्यवसायी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया जिसके बाद जांच शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रंगदारी मांगने के लिए 5 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे। पता चला कि रंगदारी मांगने वाले काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शूटर हैं। लिहाजा पुलिस टीम ने 3 अप्रैल को राजस्थान के श्रीगंगानगर में छापेमारी कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि इन्होंने काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगी थी और आरोपी हथियारों से लैस होकर कारोबारी के ऑफिस में दाखिल हुए। पुलिस ने इनके निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए, जिनमें 9 mm की एक पिस्टल, 7.65 mm की 2 पिस्टल और 7.65 और 8 mm के कैलिबर बरामद किए गए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये बदमाश पहले भी राजधानी में कई वारदात कर चुके। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी बदमाशों की तलाश में लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।